कश्मीर के जंगल में टूनी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वो हर रोज अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे फल और दाने लाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के बच्चों ने उससे पूछा, माँ अब तो हम उड़ने के लायक हो गए हैं, फिर भी आप हमें अपने साथ खाना ढूंढने नहीं ले जाती, ऐसा क्यों? यहाँ से मीठे रसीले फलों की कितनी अच्छी सुगंध आती है, हमें भी इन फलों का स्वाद चखना है माँ। मैं तुम्हारे लिए वो मधुर फल जरूर ले आती मेरी बच्ची, पर उनका वजन इतना भारी होता कि मैं उन्हें लेकर उड़ने में असमर्थ हो जाती हूँ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। माँ हम भी आपके साथ उड़कर चलते हैं, फिर हम सब वहीं बैठकर मीठे फलों का आनंद लेंगे। नहीं बेटा, भले ही तुम उड़ना सीख चुके हो पर जंगल के खतरनाक और जहरीले जानवरों से तुम्हें खतरा है। ये पेड़ ही तुम्हारे लिए एकमात्र सुरक्षित जगह है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब हम इस घोंसले को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। एक दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए खाना जमा करने निकल जाती है। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ की डाल पर बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। भूरी, काश हम भी माँ की तरह पूरे जंगल की सैर कर पाते, तरह तरह के फूलों की खुशबू ले पाते। हाँ हाँ, यहाँ पर बैठे बैठे मीठे मीठे फलों की खुशबू तो मुझे उत्साहित करती है। मन करता है कि उड़कर जाऊँ और नरम नरम मीठे फलों को अपनी चोंच से आनंद लेकर खाऊं। पर माँ है कि हमें इस पेड़ से दूर जाने ही नहीं देती। दूसरी डाल पर बैठकर कालू कौवा दोनों चिड़ियों की सारी बातें चुप चुप कर सुन रहा था और कालू कौवे ने बच्चों से कहा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती कि तुम जंगल की सैर करो और मीठे मीठे फल खाओ। वो यही सोचती होगी कि अगर तुमने उन मीठे फलों का स्वाद चख लिया तो कहीं तुम दोनों उसे इस बुढ़ापे में छोड़कर न चली जाओ। कितनी स्वार्थी है हमारी माँ। कौवे काका आप ठीक कहते हैं, अब हम अपनी माँ की किसी भी बात में नहीं आएंगे। अब मैं अपने आप को उन मीठे फलों के पास जाने से नहीं रोक सकती। इतना कहकर दोनों बहनें मीठे फलों के पेड़ की तरफ निकल जाती हैं और आखिरकार उसे मधुर फलों से भरा हुआ पेड़ मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया पेड़ पर बैठकर मीठे मधुर फलों को आनंद लेने लगती हैं। माँ तो इन्हीं फालतू की बातें करती है, भला यहाँ क्या खतरा होगा। टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि उसके नजदीक ही जहरीला सांप मंडरा रहा था। तभी सांप ने अपना फन फैलाया और उस पर वार कर दिया। सांप ने टुनटुनी चिड़िया को अपने मुंह में जकड़ लिया। सांप से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया झटपटाने लगी और इतने में ही सांप की पकड़ ढीली पड़ गई और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। टुनी चिड़िया के बच्चे जैसे तैसे अपने घोंसले तक पहुँचे पर सांप के जहर के कारण टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर घोंसले में बैठी उसकी बहन काफी परेशान हो गई। तुम्हें ये क्या हो गया बहन, क्या तुम ठीक हो? इतने में टूनी चिड़िया खाना लेकर पहुंच गई। अपने बच्चे के शरीर में घाव देखकर टूनी चिड़िया के मुंह से खाना छूट गया। ये तो उस जहरीले सांप के दांतों के निशान है। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और टुनटुनी चिड़िया सांप के जहर के कारण वहीं तड़पती रही। उसके पास बैठी उसकी बहन उदास हो गई। पता नहीं इतने बुरे समय में माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई। कुछ ही देर में बारिश होना चालू हो गई और बारिश की एक बूंद आकर सीधा टुनटुनी चिड़िया पर पड़ी, जिसके बाद उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया और वो होश में आ गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया है, लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। टुनटुनी बहन तुम बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ भूरी, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा बलवान और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। पर माँ कहाँ है, मुझे इस हालत में देखकर अभी तक ही नहीं आई। टुनटुनी, कौवा काका बिल्कुल ठीक कहते थे, हमारी माँ तो बड़ी स्वार्थी निकली, तुम्हें सांप ने डसा है, ये देखकर वो हमें भगवान के भरोसे छोड़कर निकल गयी। हाँ बहन, अब हमें आगे की जिंदगी बिना माँ के ही जीनी होगी। इसके बाद दोनों अपने जीवन अपनी मर्जी से जीने लगी। एक दिन दोनों बहनें प्रतियोगिता रखती हैं कि कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, जिसके बाद दोनों उड़ते उड़ते बादलों में पहुंच जाती हैं। तभी वहां उन्हें बादल मिलता है जो उन्हें देखकर बोलता है,
क्या तुम दोनों टूनी चिड़िया के बच्चे हो? क्योंकि इतना तो केवल टूनी चिड़िया ही उड़ सकती थी। नाम मतलब स्वाति चिड़िया का, जो मुझे भगवान के भरोसे मरता छोड़कर चली गई। लगता है तुम्हें अभी तक सच्चाई मालूम नहीं है। कैसी सच्चाई? एक दिन तुम्हारी माँ टूनी चिड़िया घबराती हुई आसमानों की तरफ उड़ती जा रही थी, पर मैंने उसका रास्ता रोकते हुए उसे इतने ऊपर आने की वजह पूछी। तब तुम्हारी माँ ने बताया, मेरे बच्चे को एक जहरीले सांप ने डस लिया है, जिसका इलाज धरती पर संभव नहीं है, इसलिए मैं भगवान के पास मदद मांगने जा रही हूँ। सुनो चिड़िया, मैं एक जादुई बादल हूँ, मेरे पानी की बूंदें तुम्हारी बच्चियों को एकदम स्वस्थ कर देंगी, पर मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी के पास समय बहुत कम है और उसे अभी के अभी जादुई पानी देना होगा, और अगर देर हो गई तो जादुई पानी भी तुम्हारी बच्ची की जान बचाने में असमर्थ होगा। तो किस बात की देर है बादल भैया, जल्दी से मेरी बच्ची की जान बचा लो, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारे धरती पर पहुंचने के पहले बारिश नहीं कर सकता, वरना मुझसे निकलने वाली बिजली तुम्हें झुलसा देगी, और यदि मैं तुम्हारी धरती पर पहुंचने तक इंतजार करता हूं, तो तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। मुझे मेरी परवाह नहीं है बादल भैया, बस आप मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उसके बाद मैंने पानी बरसाना शुरू कर दिया और तुम्हारी माँ ने तेजी से धरती की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, पर वो धरती पर पहुँचती उससे पहले मुझसे निकलने वाली बिजली ने उन्हें शिकार बना लिया और तुम्हारी माँ तड़पती हुई धरती पर आकर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। बादल के मुँह से सच्चाई सुनकर टूनी चिड़िया की दोनों बेटी रोने लगी। हम दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ को गलत समझ बैठे और हमने अपनी प्यारी माँ को खो दिया। हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस तरह दोनों बहनें अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर साथ में रहने लगती हैं। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। टुनटुनी भी मजदूरी का काम करने शहर गई हुई थी। टुनटुनी गांव के जंगल के पास बनी एक निचली बस्ती में अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उसने लौटते एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गई। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घोंसलों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों के जंगल में रहने वाले सैकड़ों गरीब पक्षियों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि पक्षियों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई पक्षियों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे काका, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या बिटिया? हाँ काका, मेरा घर भी निचली बस्ती में है, मेरे तो पति भी नहीं रहे और मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। पता नहीं घर का क्या हाल होगा, कब से सोच रही थी कि घर को ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाती हूं, पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। बारिश की वजह से शहर के जंगल में भी पानी भर गया था। सुनहरी रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लाओ बाल्टी मुझे दो। माँ, कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घोंसले से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सुनहरी बिटिया, अभी तो रात का समय है, हम कल सुबह ही शहर के जंगल चली जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पिंकी और सुनहरी, जब तक तुम दोनों कुछ खा लो बेटा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। देखो देखो माँ, बारिश रुक गई। हाँ बिटिया, अगर बारिश रुकी रही तो कोई परेशानी नहीं होगी, अगर फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया इसी डर से सारा सामान बांध देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। टुनटुनी थकी हुई थी, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह टुनटुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी खटिया के पास ढेरों पानी भरा हुआ है। सभी पक्षी भागा दौड़ी मचा रहे हैं।
अरे टुनटुनी चिड़िया जल्दी चलो, निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी तेज हो गई थी। पिंकी सुनहरी उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। बेटी अब तो सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है, अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं, बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू, पिंकी बबली आंटी का हाथ पकड़, मैं सुनहरी का हाथ पकड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी का हाथ पकड़ने आगे बढ़ ही थी कि तभी मकान की छत टूट कर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा सुनहरी के सर में जा लगा। सुनहरी के सर से खून बहने लगा, सुनहरी बेहोश हो गई। ए मेरी बच्ची सुनहरी, तुझे क्या हो गया? कोई तो हमारी मदद करो। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में टुनटुनी चिड़िया इधर उधर सबसे मदद मांगने लगती है। ओ टुन्नू भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना, भैया तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहना, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक काम करो तुम पुल तक पहुँच जाओ, हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बाढ़ के पानी में तैरती हुई टुनटुनी चिड़िया पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर पिंकी चिड़िया का रो रोकर बुरा हाल था। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पुल पर पहुंचती है, अचानक भीड़ में से डॉक्टर टुनटुनी को रोता हुआ देख लेता है। सुंदरी तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर माँ के साथ जाना होगा, लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, अगर आपको कुछ हो गया तो। सुंदरी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊँ। अगर मैं आज इस गरीब मजबूर माँ के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना, मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा। उस डॉक्टर का नाम कालू था। जब डॉक्टर कालू कुए ने टुनटुनी को रोता बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो टुनटुनी के पास पहुँचा। सुनो मैं डॉक्टर कालू का हुआ हूँ। आप डॉक्टर हो? हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, भगवान आपका भला करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो टुनटुनी के साथ उसके घर तक पहुँचता है। सुनहरी की हालत बहुत नाजुक थी, डॉक्टर कालू ने जल्दी जल्दी सुनहरी का इलाज करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सुनहरी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है, मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। टुनटुनी मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं, और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो बारिश भी रुक गई है और सुनहरी बिल्कुल ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर कालू कौए की मदद से अपनी बच्ची को बारिश के कहर से बचा लेती है और बारिश रुकने के बाद अपना नया घोंसला तैयार करती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।